नमस्कार बच्चों, मैं सत्यनारायण सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम NCERT कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से मीरा के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम भक्त कवयित्री मीराबाई के विषय में जानेंगे, मीरा के द्वारा रचित पदों की अर्थ सहित व्याख्या समझेंगे, साथ ही पद से संबंधित जो विशेष बातें हैं, जिसमें रस है, जिसमें अलंकार है, जिसमें भाषा है, इनके विषय में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम मीराबाई के विषय में जानते हैं। मीरा सगुण भक्ति धारा की महत्वपूर्ण कवित्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए ये कृष्ण को अपना आराध्य और अपना पति मानती रही। इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से ये कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन चली गई। जीवन के अंतिम दिन इन्होंने द्वारका में बिताए। अब माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में मीरा जी समाहित हो गई और इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की। ये पद मीरा पदावली में संकलित है। इनकी अन्य रचना नरसी जी रो माहेरो है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, इसमें विरह की वेदना है तो मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण इसकी सादगी और सरलता है। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, जिस पर कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखा जा सकता है। कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों का प्रभाव भी देखा जाता है। संत रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। पाठ में दिए गए पहले पद में मीरा कहती हैं कि कृष्ण ही उसके सर्वस्व है। उसने लोक लाज छोड़कर और कुल की मर्यादा का बंधन तोड़कर संतों का साथ कर लिया है। उसने अपने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम की बेल को बढ़ा लिया है और उसे कृष्ण का प्रेम ही मक्खन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है। शेष सांसारिकता छाछ के समान व्यर्थ प्रतीत होती है। वह भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार की लोलुपता देखकर रो पड़ती हैं और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। तो आइए हम पहला पद देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो ये पहला पद है। सबसे पहले हम शब्द अर्थ देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गिर को धारण करने वाला, गिर माने होता है पर्वत। भगवान कृष्ण का नाम गिरधर क्यों पड़ा? एक बार ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, तब से उनका नाम गिरधर पड़ा। और गोपाल, गोपाल यानी गौओं को पालने वाला, गायों को पालने वाला। दूसरों ना कोई,
कोई दूसरा और नहीं, जाके सिर, जाके सिर यानी जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट हो, मेरो पति, मेरा पति सोई, सोई माने वही, वही मेरा पति है। छाड़ी दई मतलब छोड़ दिया, कुल, कुल माने परिवार की कानी, कानी माने मर्यादा, कहा, कहा माने क्या, करी है माने करेगा, कोई कोई क्या करेगा। संतन ढिग, ढिग माने होता है पास, बैठी बैठी लोक लाज, संसार की जो लाज है, जो शर्म है, खोई, खो दिया। आंसुवन जल, आंसुओं के जल से, सींच सींच मतलब सींच करके, प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल, बोई यानी लगाई। अब तो बेली फैली गई, अब वो जो बेली है, बेल है, वो फैली गई, फैल गया। आनंद फल होई, आनंद फल होई यानी आनंद, आनंद फल होई, हो गया है। दूध की मथनिया, मथनिया क्या है, मथनी होती है जिससे दही बिलोया जाता है, मक्खन निकाला जाता है, उसे मथनी बोलते हैं। बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोना यानी चलाना। दधि, दधि माने दही, मथि माने मथकर, घृत, घृत माने घी, काढ़ लियो मतलब निकाल लिया। डारी दही, डारी दही माने डाल दिया, छोड़ दिया। छोई, छोई माने छाछ, छाछ आया है यहाँ पे सारहीन तत्व के लिए। भगत, भगत देखी राजी हुई, भगत माने भक्त, देखी माने देखकर, राजी माने प्रसन्न हुई। जगत, जगत माने संसार, देखी, देखी माने देखकर रोई, संसार की जो लोलुपता है, जो संसार की बुराइयां हैं, उसके लिए आया है। दासी मीरा, मीरा क्या है, दासी हैं, लाल गिरधर, गिरधर लाल के, वही गिर को धारण करने वाले भगवान कृष्ण के। तारो, तारो माने उद्धार करो, अब मोही मेरा उद्धार करो। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि मीरा जी कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं और वो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल यानी जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं और जो गौओं के पालक हैं, मेरे वही श्री कृष्ण हैं, दूसरों ना कोई, उनके सिवा कोई और मेरा अपना संबंधी नहीं है, अर्थात मेरा कोई और अपना नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं, बाकी सभी संबंधी चाहे वो भाई हो, चाहे सास हो या दूसरे कुटुंब वाले हों, उनको मीरा नहीं मानती, सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है यानी आपको पता है कि भगवान कृष्ण मोर का मुकुट अपने सर पर धारण करते हैं, तो जिसके सिर पर मोर का मुकुट है कौन, यानी भगवान कृष्ण, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं, मैंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है जो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं। छाड़ दई कुल की कानी, छाड़ दई मैंने छोड़ दिया, कुल की कानी मैंने कुल की, परिवार की, समाज की मर्यादा, कानी माने मर्यादा का ध्यान रखना छोड़ दिया, अर्थात मैंने जो परिवार की मर्यादा थी, कुल की मर्यादा थी, उसको छोड़ दिया। कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या कर लेगा, यानी एक चुनौती देती है कि हमने कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा कृष्ण के प्रति प्रेम में, अब मेरा कोई क्या कर लेगा, मैंने तो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया है, यानी कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति प्रकट हो रही है। संतन ढिग बैठ ही बैठ, संतों के पास बैठ बैठ करके, वो संत जो सामाजिक उद्देश्यों से अलग होते हैं, जो जिनके पास सामाजिक लोभ मोह माया ममता जैसी चीज नहीं होती है, उनके पास बैठ बैठ के हमने लोक लाज, जो संसार की लाज थी, जो शर्म थी, उसको मैंने खो दिया है, यानी उस समय जो राजसी स्त्रियां होती हैं, आपको पता है कि मीरा राजसी स्त्री हैं, एक महारानी हैं, और वो
इस तरह खुले में लोगों के सामने उनका मिलना, ऐसे मंदिरों में नाचना और संतों के साथ जो है संत समागम करना, सत्संग करना, ये सब लोक की मर्यादा के यानी संसार की मर्यादा के, परिवार के मर्यादा के, समाज के मर्यादा के विरुद्ध है। और वो कह रही हैं कि संतों के साथ बैठकर मैंने वो मर्यादा भंग कर दी, उसको छोड़ दिया। आंसुओं जल सींच सींच, आंसुओं के जल से सींचा है, आंसुओं के जल से किसको सींचा? प्रेम रूपी बेल को, यानी कृष्ण के प्रति जो मेरी प्रेम रूपी बेल है, प्रेम रूपी पौधा है, उसको मैंने आपने आंसुओं के जल से सींचा है। अर्थात कृष्ण को हमने कैसे प्राप्त किया है? कृष्ण को हमने अपने अश्रुओं से प्राप्त किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस को सिंचित किया है, उसको पोषित किया है मीरा ने अपने आंसुओं के जल से। अब तब बेली फैली गई, अब वो बेल जो कृष्ण की प्रेम रूपी बेल है वो फैल गई है, यानी वो व्यापक हो गई है, चारों तरफ फैल गई है। आनंद फल हुई, अब उसमें आनंद आने लगा है, यानी मीरा को कृष्ण की भक्ति में आनंद आने लगा है, परमानंद की प्राप्ति होने लगी है। अब दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, जो कृष्ण की प्रेम रूपी दूध है, कृष्ण का प्रेम दूध के समान है, उसको अपनी भक्त की मथिनी से मैंने बड़े प्रेम से क्या किया है? बिलोया है, हिलाया है, चलाया है। तो यह कहा कि कृष्ण का जो प्रेम रूपी दूध है उसको अपनी भक्त की मथिनी से बड़े प्रेम से चलाया है। क्या हुआ? उससे जो दही निकला, दधी, उससे जो दही हुआ उसको मथ करके, मथी ना, मथ करके घृत, घृत यानी घी ना, अब घी किससे बनता है? मक्खन से बनता है। तो मक्खन काढ़ लिया यानी निकाल लिया, यानी जो उससे दूध से दही प्राप्त हुआ उसको मथ करके मैंने घी क्या किया है? निकाल लिया है। और डारी दही छोई, जो छाछ होता है, जो सारहीन तत्व होता है जिसमें पानी की मात्रा होती है, उसको मैंने छोड़ दिया है। अर्थात किस मीरा कह रही हैं कि इस संसार में उन्होंने अपने अनुभव से जान लिया है कि कृष्ण की जो भक्ति है वही सार तत्व है, बाकी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जो दुनिया लोभ माया मोह में फंसी हुई है, वो छोई यानी सारहीन तत्व के समान है, उसको मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ कृष्ण की भक्ति को अपना लिया है। और भगत देखी राजी हुई, मीरा क्या कह रही हैं? मैं कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो क्या होती हूँ? प्रसन्न होती हूँ। और जगत देखी रोई, और जब संसार की जो लालसा है, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी बुराइयाँ हैं, जो उसकी कमियाँ हैं, उनको मैं देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। और दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कह रही हैं कि हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूँ, हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूँ, तारो अब मुही, अब मुझे तार दो, मेरा उद्धार कर दो। हे कृष्ण, हे गिरधर लाल, अब मेरा उद्धार करो। तो ये पहले पद की व्याख्या थी। आइए इसे संबंधित विशेष बातें जो हैं उसको समझते हैं कि विशेष क्या है इसमें। मीरा कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था उसके लिए अपने परिवार और समाज की परवाह नहीं करती। तो पहला बिंदु ये हुआ कि मीरा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के लिए परिवार और समाज की परवाह नहीं करती। दूसरा कि इन पदों में आप देखेंगे कि मीरा का कृष्ण के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अगले बिंदु के रूप में देखते हैं कि इस पूरे पद को पढ़ के पता चलता है कि मीरा भक्ति को ही सार तत्व मानती हैं, बाकी संसार की दूसरी चीज़ों को असार तत्व मानती हैं, अर्थात उन तत्वों को वो महत्व नहीं देती हैं। आगे हम देखेंगे कि इसमें अलंकार कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार, तो यहाँ गिरधर गोपाल में गा शब्द की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हुआ। यहाँ पे आप देखिए कहा करी है कोई, का की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हुआ। आपको कुल की कान, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है,
मोर मुकुट इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, लोक लाज इसमें भी अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ला शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो आगे देखिए कि बैठी बैठी, यहाँ पे एक शब्द दो बार आया है और दोनों का मतलब यही है, तो ये क्या हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। और सींची सींची इसमें क्या हुआ, सींची सींची में कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ भी यहाँ पर भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हुआ। आगे देखें रूपक अलंकार कहाँ कहाँ पे है, रूपक अलंकार देखते हैं तो रूपक अलंकार में प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल की बात की गई है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। और आनंद फल, यहाँ पे आनंद रूपी फल की बात है, तो यहाँ पे भी क्या है, रूपक अलंकार है। अब पूरे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें माधुर्य गुण है, कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। और ये राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अब आप देखेंगे इसमें भक्ति और शांत रस है, क्या है, भक्ति और शांत रस है। एक बिंदु और आप लिख सकते हैं कि कृष्ण को अनेक नामों से मीरा ने पुकारा है, गिरधर गोपाल लाल, तो अनेक नामों से मीरा ने कृष्ण को पुकारा है। आइए अब हम दूसरा पद देखते हैं। दूसरे पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी प्रकट करती हैं, वे अपने नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी हैं। लोग उसे दीवानी कहते हैं, परिवार के लोग उसे कुलनासी कहते हैं। राणा जी ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा है जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया है। मीरा का कहना है कि ईश्वर भक्ति से सहज रूप में ही प्राप्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राड़ा भेजा पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो सबसे पहले इन शब्दों का अर्थ देखते हैं। पग माने होता है पैर, पैर में घुंघरू, घुंघरू आप समझते हैं जिसे कि औरतें नृत्य करते समय अपने पैरों में बांधती हैं, बांधी मीरा नाची। आगे मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण यानी ईश्वर के लिए प्रकट हुआ है ये शब्द, ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है ये शब्द। आप ही माने खुद ही हो गई साची, साची माने सच्ची, लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी माने पागल, ठीक है, बावरी माने पागल बोलते हैं। न्यात, न्यात माने पारिवारिक लोग, संबंधी लोग, पारिवारिक लोग, संबंधी लोग। कहे कहते हैं कुल नाशी, कुल का नाश करने वाली। विष, विष माने होता है जहर का प्याला राणा भेजा, राणा ने विष का प्याला भेजा, पीवत मीरा हंसी, मीरा हंसते हुए उसको पीती हैं। अब मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु क्या है, गिरधर नागर हैं, सहज मिले अविनाशी, वो सहज रूप में लोगों को मिल जाते हैं और वो क्या है, अविनाशी हैं, अर्थात जिसका नाश ना हो, जो अमर हो। तो आइए इन पदों की व्याख्या देखते हैं। मीरा कह रही हैं ईश्वर के प्रति अपनी दीवानगी प्रकट करते हुए कह रही हैं, कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी प्रकट करते हुए कह रही हैं कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है और मैं कृष्ण के प्रेम में नृत्य कर रही हूँ। तो मीरा कृष्ण के प्रेम में अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। यानी जब मीरा किसी की भी परवाह नहीं करती है, ना परिवार की परवाह करती है, ना समाज की परवाह करती है, और वो कृष्ण के प्रेम में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं, तो वो अपने नारायण की, अपने कृष्ण की आप ही हो गई साची ना, यानी वो अपने नारायण की हो गई है, यानी उन्होंने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया है। ये बात क्या हो गई है, सच है, मीरा जी कह रही हैं कि ये बात सच है कि मैंने अपने आप को, अपने नारायण को अर्थात कृष्ण को समर्पित कर दिया है, मैं उन्हीं की हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है,
पागल हो गई है, अज्ञात कहे कुल नासी। और पारिवारिक लोग कहते हैं, जो संबंधी हैं वो क्या कहते हैं, ये कुल का नाश करने वाली है। लोग बावरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मीरा राज घराने की जो मर्यादा है उसके विरुद्ध पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के प्रेम में लोगों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य कर रही हैं, तो उस उनके इस कृत्य को देख करके लोग उसने बावरी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं। और जो पारिवारिक लोग हैं, जो संबंधी हैं, वो कह रहे हैं कि ये कुल पे कलंक लगाने वाली है, कुल का नाश करने वाली है। अब विष का प्याला, और उसके इस कृत्य को देख कर विष का प्याला राणा भेजा, राणा जी जो मीरा के देवर हैं, उन्होंने मीरा को मारने के लिए, अपने कुल का कलंक मिटाने के लिए विष का प्याला, जहर का प्याला भेजा। और मीरा उसको पीती हैं और हंस रही हैं, अर्थात वो विष मीरा पर असर नहीं कर रहा है, कृष्ण के प्रभाव के कारण, उनके प्रेम के प्रभाव के कारण वो विष मीरा पर असर नहीं कर रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी क्या कह रही हैं कि मेरे प्रभु कौन है, गिरधर नागर हैं। गिरधर यानी पर्वत को उठाने वाले, और नागर, नागर राजस्थान में सम्मानित व्यक्ति को कहा जाता है, जो उस समाज का, कुटुंब का सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है, मुखिया जैसा, उसे नागर कहते हैं। और नागर का एक अर्थ चतुर भी होता है। तो मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं और सहज मिले अविनाशी, वो अविनाशी जिनका नाश नहीं हो सकता कभी, वो अमर पुरुष ईश्वर, वो क्या है, भक्तों को सहज रूप में ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भक्तों को सहज भक्ति से ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इसका, इसकी व्याख्या थी। आइए हम इसके विशेष पे बात कर लेते हैं कि इस पद से मीरा पर किए गए अत्याचार का पता चलता है, और साथ ही ये भी पता चलता है कि मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा है। वो जहर का प्याला भी पी लेती हैं लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं करता है। और मीरा कृष्ण के प्रेम में उन्हें अलग अलग नामों से पुकारती हैं, कभी नारायण कहती हैं, कभी गिरधर कहती हैं, कभी नागर कहती हैं। और आप देखिए कि इसमें अनुप्रास अलंकार कहाँ है, तो कहा है कुल का शब्द की आवृत्ति हो रही, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए गिरधर नागर, इसमें रा शब्द की आवृत्ति हो रही, इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और इसमें देखेंगे इस पद में क्या है, एक संगीतात्मकता है। मीरा के पदों में क्या होती है, एक संगीतात्मकता रहती है, यानी उसको आप गा सकते हैं। इसमें लय है, इसमें माधुर्य है, और आप देखेंगे कि इसमें कौन सा रस है, इसमें भक्ति रस है। क्या रस है, भक्ति रस है, और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और बावरी शब्द से आप देखिए तो बावरी शब्द है, इस शब्द से एक बिंब बनता है, एक दृश्य बिंब बनता है। तो आप या घुंघरू बांध के मीरा नाच रही हैं, तो इससे भी एक बिंब बनता है। तो ये था पाठ मीरा के पद। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।